हेलो फ्रेंड्स मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रॉचिट निटिंग चैनल की तरफ से आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूं आज देखिए मैं तीन और चार नंबर के बेबी के लिए चाहे लड़की हो या लड़का हो दोनों के लिए ही है ये देखिए बहुत ही सुंदर स्वेटर बनाकर लेकर आई हूं देखिए इसके अंदर डिज़ाइन डाला है इस तरह से मैंने और ये बाजू पे और गले पर भी देखिए इसके अंदर सेम ही मैंने जो गले का बॉर्डर बनाया है वो सेम बनाया है ये तीन से चार साल के आ, बच्चे के वो बड़े आराम से आएगी देखिए इसकी जो लंबाई है वो मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ देखिए इसकी जो लंबाई है वो गले से लेकर यहाँ नीचे तक साढ़े सोलह या सतारह इंच के करीब है देखिए इस तरह से सतारह इंच के करीब बनकर आई है ये तीन और चार साल के बच्चे के लिए बड़े अच्छे से आएगी और जो देखिए इसकी चौड़ाई है वो इसकी तेरह इंच के करीब बनकर आई है अब देखिए जो इसकी बाजू हैं देखिए अगर हम इसको यहाँ से नापेंगे तो ये इसकी बाजू देखिए इस तरह से बाजू साढ़े दस इंच बनकर आई है इस तरह से और यहाँ से पूरी स्लीव्स इस तरह से सोलह इंच है साढ़े सोलह इंच के करीब है देखिए इस तरह से इस वीडियो के अंदर देखिए मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है ये मैंने तीन से चार साल के बच्चे के लिए बनाई है देखिए अगर आपने दो नंबर के दो साल के लिए डेढ़ से दो साल के ढाई साल तक बच्चे के लिए बनानी है देखिए इसके अंदर मैंने फोर्टी वन जोड़ डाले हैं तो आपने उसके लिए क्या करना है एक डिज़ाइन यहाँ से कम करेंगे दस फंदे कम हो जाएंगे ये दस फंदों से एक डिज़ाइन बनकर आया है देखिए एक साल से डेढ़ साल तक के बच्चे के लिए हमने दो डिज़ाइन कम कर देने हैं और डेढ़ साल से दो साल तक ढाई साल तक के बच्चे के लिए हमने एक डिज़ाइन कम करना है और देखिए इसकी जो हमने यहाँ पे मैंने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये आठ डिज़ाइन डाले हैं तो आप उसके अंदर सेवन डिजाइन डाल लें और अगर डेढ़ साल के लिए बच्चे के लिए बनानी है तो आप उसके अंदर पाँच बार डिज़ाइन डाल लें एक दो तीन चार पाँच पाँच बार छः बार डिज़ाइन डाल लें उसके अंदर तो आपका इतना बन जाएगा इंच का नहीं तो नौ इंच बन जाएगा अगर आपने डेढ़ से ढाई साल के बच्चे के लिए बनाना या तीन से चार साल के बच्चे के लिए बनाई तो है तो उसके अंदर अगर आपने इसको यहाँ पे मैंने देखिए पैंतीस जोड़ रखे हैं बाजू के अंदर बाजू को यहाँ से हमने उतने ही रखने हैं देखिए चाहे आप डेढ़ साल के बच्चे के लिए बनाओगे चाहे दो साल के बच्चे के लिए एक साल से लेकर आपने यहाँ तक इतने ही फंदे आएंगे। देखिए अगर इसको हम थोड़ा कम करेंगे तो फिर बिल्कुल कम हो जाएगा डिज़ाइन के हिसाब से देखिए इसके अंदर मेरे पास बीस जोड़ रखी है मैंने चार डिज़ाइन बनकर आए हैं बीस जोड़ ही रखेंगे आप और यहाँ पर आकर मैंने इसके पैंतीस जोड़ करे हैं अगर आपने छोटी बनानी है इसे तो आप इसके अंदर बत्तीस जोड़ कर सकते हैं तीन जोड़ कम कर लें और देखिए जो ये कट कटाई की है मैंने जो इसकी यहाँ से इसकी कटाई है देखिए सात इंच का जो इसका मतलब मोढ़ा है वो सात इंच बनकर आया है देखिए आपने डेढ़ साल के बच्चे दो साल के ढाई साल तक आपने छः इंच तक रखनी है देखिए इसको मैंने इक्कीस बार फोर्टी टू सिलाइयाँ डाली हैं इसके अंदर आप उसके अंदर देखिए दो बार चार सिलाई कम कर लें देखिए ज़्यादा नहीं बच्चों का जो हमारा ये होता है ज़्यादा कम नहीं होता दो सिलाइयाँ चार सिलाई हम इसके अंदर कम कर लेंगे बाकी उसी तरह से देखिए जो गला है वो गला हमने इतना ही बनाना है पैंतालीस जोर डालने हैं चाहे आप एक साल के बच्चे के लिए बनाओगे चाहे दो साल चाहे तीन साल चाहे चार साल इतना ही छोटा गला नहीं बनेगा इतना ही गला बनाना है देखिए देखिये स्ट्रेचेबल होते हैं बहुत आसानी से आ जाते हैं एक मैंने इसके अंदर बटन भी लगाया है देखिए इस तरह से तो आप इसको यहाँ पे टिच बटन लगाएं चाहे कुछ भी लगाएं इस वीडियो के अंदर मैंने इसको स्टेप बाई स्टेप सिखाया है देखिए अगर आपको हमारी ये बेबी स्वेटर पसंद आई तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बिल्कुल तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए देखिए इसके अंदर मैंने दस नंबर की सिलाइयों से बनाए हैं इसको और दो कलर की वूल ली है दस नंबर की सिलाई ली है और इस तरह से जो तीन प्लाई की वूल आती है वो ली है मैंने आप बेबी वूल लो जो भी आपको देखिए बेबी वूल इस तरह से होती है ये लच्छे वाली वर्धमान की बेबी वूल होती है आप इससे भी बना सकते हैं ये तीन प्लाई की ये सॉफ्ट भी होती है इससे बनाई है मैंने इससे भी बना सकते हैं आपको जिस तरह की ठीक लगे वूल आप वो ले लें तो देखिए ये भी बच्चों के लिए बहुत ही सॉफ्ट होती है चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने आपको एक डेढ़ साल से बच्चे के लेकर चार साल तक के बच्चे का मेजरमेंट बता दिया है इसके अंदर देखिए बहुत ही सुंदर बनकर आती है इसके सेकंड वीडियो के अंदर मैं इसकी कैप बनाना बताऊंगी आपको तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं हम इस तरह से देखिए ये बनकर आई है अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं चलिए बनाना स्टार्ट देखिए इसको बनाने के लिए देखिए ये हमारा बैक का पीस है पीछे के पीस में देखिए इसके अंदर हमने देखिए ये जो डिज़ाइन है ये दस फंदों से बनता है देखिए आठ फंदे ये हमारे ये वाले हैं दो फंदे ये दस फंदों से हमारा एक डिज़ाइन बनता है देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ अस्सी फंदे मैंने इसके अंदर डाले और प्लस टू जितने भी फंदे आपने छोटे बड़े साइज में बनाने हैं प्लस टू डालने हैं दस के मल्टीपल में लेते हुए अब देखिए इसके अंदर मैंने एटी टू फंदे लिए फोर्टी वन जोड़ हैं एटी टू फंदे हैं और इसके अंदर देखिए मैंने ये चार डिजाइन बनाए हैं चार डिजाइन बनाकर देखिए मैंने जो इसको इस तरह से बनाया है इस तरह से और इसकी जो कटाई की है मैंने वो देखिए इस तरह से की है ये बैक पोर्शन है और जो इसकी बाजू बनाई है वो मैंने इस तरह से बनाई है देखिए बाजू हमने डार्क कलर में बनाई है इसकी जो कटाई है वो भी मैंने इस तरह से की है देखिए जब जो स्वेटर बनकर आता है बहुत ही प्यारा लगता है और देखिए इसकी बाजू है बाजू के अंदर मैंने ये नीचे दो डिज़ाइन बनाए हैं और जो आगे और पीछे वाला हमारा पोर्शन बनेगा उसके अंदर हमने चार डिज़ाइन बनाई हैं अब इसके अंदर देखिए हमने दस बीस तीस और चालीस प्लस दो तो, इक्कीस जोड़ डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर अब देखिए जो हम इसकी बुनाई है वो मैं आपको सिखा देती हूँ कि कैसे बनाने इसके अंदर देखिए हमने मैंने इसको दस नंबर की सिलाइयों पे बनाया है और इसके अंदर देखिए मैंने जो ट्रिपल धागे से फंदे बनाते हैं वो वाले फंदे मैंने इसके अंदर बनाई हैं देखिए मैंने एक पीस पीछे का और एक बाजू बनाकर रख ली है अब आपको देखिए दूसरी बाजू के अंदर फंदे और डिजाइन डालना मैं बता देती हूं कि कैसे हमने इसके अंदर डिजाइन बनाना है अब देखिए फर्स्ट सिलाई है जो हमारी इसकी हमने उल्टी बनानी है देखिए ये हमारे जोड़े जोड़े में फंदे होते हैं दो दो इसको हमने इस तरह से बनाते जाना है उल्टा बनाते हुए फर्स्ट सिलाई हमारी सीधी साइड से जो बनेगी उसको हमने उल्टा उल्टा बनाना है इस तरह से पूरी सिलाई हमने उल्टा उल्टा बनाते हुए निकालनी है ये हमारी फर्स्ट सिलाई है देखिए इस डिजाइन को आप पूरे फुल स्वेटर में भी डाल सकते हैं इस डिज़ाइन को आप का लेडीज़ कार्डिगन जैकेट वगैरह में कहीं पे भी आप इसको डाल सकते हैं देखिए ये है मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ये बॉय हो या गर्ल सभी के लिए आप बना सकते हैं इसको छोटे बच्चों के लिए कोई इतना वो नहीं होता अब देखिए हमने इसको फर्स्ट सिलाई मैंने इसकी उल्टी उल्टी बनाई सीधी साइड से अब इसकी उल्टी साइड पर आ गई हैं अब देखिए इसकी उल्टी साइड पर मैंने इसको सीधा सीधा बनाना है उल्टी सिलाई हमने सीधा सीधा बनाकर निकालनी है ताकि देखिए जो ये दोनों साइडों से हमें यहाँ पे उल्टा ही दिखे इस तरह से चलिए इसकी सीधी सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं अब देखिए इसकी दूसरी सिलाई भी मैंने बना दी है उल्टी साइड से सीधा बनाते होते देखिए ये दोनों इस साइड से हमें उल्टा उल्टा बनाई हुई दिखती हैं और इधर से दोनों सीधी दिखती हैं ये हमारा सीधी साइड है देखिए सीधी साइड का मैं बता देती हूँ कि जिस साइड हमारा ये फंदे डाले हुए धागा होता है वो हमारी सीधी साइड होती है अब देखिए हमने क्या करना है दो फंदों को बिना बुने उतारेंगे अब यहाँ पे हमने ये दूसरा कलर लगाना है ये व्हाइट वाला मैं लगा रही हूँ अब इससे बनाना है आप इसको अच्छी तरह से यहाँ पे नोट लगा दें अब देखिए दो तीन सीधा सीधा बनाना है चार पाँच छ सात और आठ देखिए आठ फंदे हमने वाइट के बनाए हैं और दो फंदे देखिए हमने उतार लेने हैं इस कलर के फिर से आठ फंदे बना देखिए इसको जब हम थोड़ा सा बनाएंगे थोड़ा सा इसको हमने सिलाई के ऊपर खिलानना होता ताकि ये हमारा इकट्ठा ना हो बीच में ना जाए हमारा पीस तीन चार पाँच छ सात और आठ आठ वाइट बनाने के बाद इसको दो बंदों को इस तरह से उतार लेना है हमने फिर से हम आठ बनाएंगे दो तीन चार पाँच छ सात और आठ अब फिर से हमने दो उतारेंगे फिर से देखिए आठ फंदे बनाएंगे हमने देखिए इसी तरह से करना है चाहे आपने जितने भी फंदे बनाने हैं इस डिजाइन की फर्स्ट सिलाई को हमने इसी तरह से फॉलो करते जाना है आठ देखिए अब ये दो फंदे हमने बिना बुने इस तरह से उतार लेने हैं ये देखिए इस तरह से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई अब इसकी उल्टी साइड पे आ गए हैं बैक साइड पे अब देखिए इनको फिर से हमने उतार लेना है इस तरह से अब देखिए उल्टी साइड है तो हमने इसको उल्टा बनाना है ये आठ फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है अब ये बंदे फिर उतार लेने हैं हमने इसको नहीं बनाना आठ उल्टे बना लिए फिर से ये दो स्टिच हमने इसी तरह से उतारने हैं आगे के एट स्टिच हमने इसी तरह से उल्टे उल्टे बनाने हैं ये पूरी सिलाई हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है फिर से हमने देखिए इस तरह से ये डिजाइन की हमारी दूसरी सिलाई है इसको हमने इस तरह से ही उतार लेना है ये हमारी दो सिलाई कंप्लीट हो गई है अब हम इसकी तीसरी सिलाई पे आ गए हैं देखिए तीसरी सिलाई में हमने इस तरह से बबल बनाना है ये वाले अब देखिए हमने क्या करना है ये फंदे अब ने इसी तरह से उतारने हैं इनको अभी नहीं बनाना इस धागे को हमने साथ में लेके चलना है अब देखिए एक दो तीन तीन धागे तीन स्टिच हमने व्हाइट के बनाने के बाद जब फोर्थ स्टिच बनाना है तो हमने इससे बबल बनाना है देखिए हमने क्या करना है एक बनाया धागे को अपनी तरफ करेंगे फिर से सीधा बनाएंगे तो देखिए ये हमारे तीन बन गए अब फिर से अपनी तरफ धागे को लाएंगे, फिर से दोबारा बनाएंगे फिर बना लिया तो हमारे पांच बन गए उसके बाद हमने इसको निडल से निकालना है अब इसको टर्न करेंगे अब देखिए इसको हमने उल्टा बनाना है पांचों को एक दो तीन चार और पांच देखिए पांच बनाने के बाद अब हम फिर से इसको इस तरफ टर्न करेंगे क्या करना है चाहे तो आप देखिए मैं दोनों तरीकों से आपको बता देती हूं चाहे तो आप पांचों फंदों को देखिए इस तरह से ये वाली सिलाई से ही हमने इसको इस तरह से करते हुए पांचों फंतों को हिलाते हुए सिलाई में लेना है थोड़ा सा इस तरह से करके इस तरह से पीछे नीडल को निकालना है थोड़ा सा इस तरह से करेंगे अब देखिए दो बार बल देंगे तो इसको इस तरह से हम बीच में से निकाल लेंगे इसको इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है देखिए बन गया पबल अब इसको हमने फिर से इसको यहीं पे छोड़ना है और आगे व्हाइट से ही बनाने हैं हमने जितने फंदे चार बच गए चार को हमने व्हाइट से बना देना है अब देखिए तीन फंदे बनाने के बाद इस धागे को हमने साथ ही लेकर चलना है ताकि जो हमारा पीछे लंबा गैप ज्यादा ना आए अब देखिए इनको बिना बुने उतारेंगे जो ये बबल बनाना है वो हमने एट फंदों के बीच में बनाना है अब देखिए फिर से इसको बनाया अब इस फंदे को हमने दो दो तीन तीन फंदे बनाते हुए साथ में लेते चलना है अब देखिए ये बनाया तीन फंदे बनाने के बाद फोर्थ फंदे में हमने इस बबल को बनाना है ताकि देखिए ये दो फंदों के बीच में बन जाता है क्योंकि हमारे पास एट फंदे हैं अब देखिए फिर से हमने सीधा बनाया एक फंदा इसको छोड़ना नहीं है धागे को अपनी तरफ लेंगे फिर से बनाएंगे अब देखिए तीन बन गए एक दो तीन धागे को अपनी तरफ लेंगे फिर बनाएंगे अब देखिए एक ये बल से आया एक ये पांच हो गए अब इसको हम टर्न करके उल्टा बना लेंगे पांचों फंदों को हमने उल्टा बनाना है देखिए इस तरह से अब पांचों फंदों को उल्टा बनाने के बाद फिर से हमने टर्न करना है देखिए एक तो हमने यहाँ से सिलाई से किया था अब देखिए अगर आप क्रोशिया से करना चाहते हैं ये और भी आसान है और थोड़ा सिलाई से ज़्यादा ही फिनिशिंग में बनकर आता है अब देखिए इसको हमने सारे फंदों को क्रोशिया में निकाल लिया अब इसको इस तरह से करेंगे और इस तरह से कर देंगे बस अब इसको हम नीडल में लेंगे अब इसको आगे फिर से हमने बना देना है तीन फंदा बनाने के बाद इस धागे को देखिए इस थोड़ा सा खींच लेंगे और आगे बना देंगे देखिए इस तरह से ये बनकर आ गया है अब ये दो फंदों को भी उतारना है अब इन आठ फंदों के बीच में बबल बनाना है बस इसको हमने थोड़ा थोड़ी दूरी पे साथ लेते चलना है दो दो तीन तीन फंदों के बाद अब देखिए तीन फंदे बना लिए फोर्थ फंदे पे फिर से हमने बबल बनाना है सीधा फंदा बनाया धागे को अपनी तरफ फिर से बनाया देखिए तीन धागे को अपनी तरफ और ये पाँच देखिए पाँच हो गए अब इसको हमने देखिए पाँचों को हमने उल्टा बना लिया अब देखिए सीधा क्रोशिए पे इस तरह से निकाल देंगे और देखिए इसको हमने इस तरह से ले लेना है और देखिए इस तरह से इसको निकाल देंगे और इसको हमने करोश सिलाई पे लेना है और फिर से देखिए आगे के व्हाइट बंदे हमने ये व्हाइट हमने व्हाइट धागे से बनाने हैं आगे के स्टिच देखिए इसको थोड़ा सा हमने टाइट करना है इस तरह से ये बन जाएगा देखिए पवन हमने हर बार ये आठ फंदों के बीच में बनाना है देखिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रही हूं कि आपको क्लियरली समझ आ जाए अब इसको देखिए उल्टा करेंगे पाँचों फंदों को उल्टा बनाएंगे अब इसको हमने फिर से क्रोशिए पे लेना जैसे आपको ठीक लगे आप चाहे पाँचों को सिलाई से इकट्ठा निकाल लें अब देखिए इसको हमने पाँचों को इकट्ठा निकाल लिया चाहे तो आप देखिए इसको इसी तरह से भी ले सकते हैं इस तरह से हमारी उतार ली अब इस तरह से हमारे जो बबल हैं, वो बनकर आ गए हैं अब हम उल्टी साइड पे आ गए, तीन सलाई बना चुके हैं अब ये फोर्थ सलाई है हमारी चाहे तो आप देखिए जो ये बल आ जाते हैं चाहे आप इसको निकाल लें। अब देखिए हमने क्या करना है फोर्थ बार भी हमने इसको बिना बुना ही उतारना है अब जो ये व्हाइट फंदे हैं इसको हमने वाइट से ही बनाना है इसको हमने यहीं पे छोड़ देना है ये वाले धागे को अब देखिए हमने दो ये हमने आठ फंदे पूरे कर लेने हैं तीन चार इसको भी हमने वाइट ही बनाना है पाँच छ सात और आठ अब इसको बिना बुना उतारेंगे फिर से हमने ये वाइट वाले आठ बनाने हैं दो तीन चार और देखिए ये बबल वाला जो इसको भी हमने वाइट बनाना है उल्टी सिलाई में ये हमारी फोर्थ सिलाई है ये आठ के आठ फंदे हमने व्हाइट बना देने है। से हैं से अब ये हमारे फिर से उतारेंगे देखिए इन फंदों को हम चार बार टोटल उतार चुके हैं इसी तरह से अब देखिए हम अब पांचवी सिलाई पे आ गए हैं देखिए पांचवी सिलाई पे भी हमने इनको बिना बुने ही जाना है इस तरह से उतारना है बस अब हमने कुछ नहीं करना है इसको उतारते जाना है और ये वाइट फंदों को हमने इस तरह से बनाना है देखिए ये पांच सिलाइयों का जो हमारा डिज़ाइन है कि मैंने इसीलिए आपको बाजू के फंदों पे इस डिजाइन को बनाना सिखाया है थोड़े फंदों पे आसानी से समझ में आ जाता है इस तरह से अब इसको बिना बुने उतार लेंगे हम पांच सिलाई बने हम इसकी सिक्स सिलाई पे आ गए हैं पीछे वाली साइड साइड में अब देखिए हमने वाइट का बंद कर देना है अब हमने इस कलर से बनाना है पूरी सिलाई हमने उल्टा बनाते हुए जाना है इसका देखिए ये हमारी पूरी उल्टी सिलाई उल्टी बन गई है ये हमारी सिक्स सिलाई है देखिए पाँच सिलाई तो हमारी यहाँ वाइट से कंप्लीट हुई और ये सिक्स सिलाई है अब सीधी साइड पे आ गए हैं अब देखिए सीधी साइड से भी हमें उल्टा ही बनाना है इसको यहाँ पे सीधी साइड से उल्टा बनाएंगे और उल्टी सिलाई से सीधा बनाते हुए ये दो सिलाइयाँ हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से देखिए हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है देखिए पांच और ये तीन आठ सिलाइयों से हमारा ये डिज़ाइन देखिए इस तरह से कंप्लीट हो जाता है आगे फिर से हमने ये पांच सिलाइयाँ बनाएंगे तीन ये करेंगे रिपीट तो आठ आठ सिलाइयों से हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा अब देखिए इस तरह से अब हम दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे देखिए जो व्हाइट वाला धागा है यहाँ पे छूट जाता है इसको हमने यहाँ पे कट करना पड़ेगा हमें इसको यहाँ पे अब देखिए हमने इसको उसी तरह से दोबारा रिपीट करना है डिज़ाइन को दो फंदे हमने बिना बुने उतारनी हैं और आठ फंदे हमने वाइट से दोबारा स्टार्ट करने हैं डिज़ाइन के लिए इस तरह से तीन चार पच सात और आठ देखिए इस तरह से आठ बनाएंगे फिर से ये दो तो उतारेंगे फिर से आठ बनाएंगे नहीं अभी सॉरी हमने अब इसको रिपीट करना है देखिए अब हमने देखिए इसको आठ, इस तरह से नहीं बनाने अब जो ये वाली हमने डब्बी है यहाँ पे बनानी है अब यहाँ पे हमारी हाफ डब्बी बनेगी अब देखिए जो बबल है वो हमारा इसके ऊपर बनेगा अब इस तरह से हमारी डब्बियाँ चेंज हो जाएंगी ये वाले बॉक्स जो बनकर आए हैं अब यहाँ पे हाफ बनेंगे यहाँ पे देखिए हमने अब देखिए हम अब हमने यहाँ पे जो बबल बनाना है ये वाले दो फंदे अब इसको हमने आठ लेना है देखिए दो यहाँ दो ये दो सेंटर वाले हैं तीन इधर से लेंगे तीन इधर से लेंगे ये वाले आठ हो जाएंगे तो हमने ये वाले दो फंदे बिना बुने रखने हैं और ये वाले पांच फंदे हमने व्हाइट कर देने हैं इस तरह से अब देखिए इसको हमने पांच करने हैं, पांच देखिए आठ में से तीन हम ये निकाल देंगे दो ये हो जाएंगे अब इसको हमने वाइट बनाना है ये पहले पांच फंदों को देखिए इस तरह से हमने पांच फंदे सीधे बनाने हैं वाइट के तीन चार पांच पांच फंदे बना लिए अब एक दो दो हमने उतार लेने हैं अब देखिए आठ फंदे हमारे सेंटर के आएंगे देखिए दो ये वाले तीन ये और तीन इधर से लेंगे ये वाले आठ फंदे हमारे अब वाइट हो जाएंगे देखिए अब आठ फंदे हो गए अब ये वाले दो फंदे उतारेंगे देखिए ये दो फंदे अब ये वाले हो गए जहाँ पे हमने ये देखिए बबल बनाया था अब आगे वाले वाइट फंदों को हमने वाइट बनाना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ देखिए जब हम एक बार यहाँ से स्टार्टिंग से अच्छे से देखकर इसको रख लेंगे तो आगे अपने आप ही हमारा डिज़ाइन है वो जो आ जाएगा अब देखिए ये दो दो फंदे हैं हमारे ये दो फंदों के ऊपर हमारा ये बबल है ये वाले हमने बिना बुने उतारे आगे के आठ फंदे दो तीन चार पांच छ सात आठ अब ये दो बिना बुने उतारेंगे देखिए यहाँ पे भी हमारे पांच फंदे बच गए हैं और इधर भी हमने पांच फंदे ही बनाए हैं दोनों तरफ हमारा जब एक जैसे फंदे तो एक जैसे ही आएंगे देखिए इस तरह से हमारा ये दूसरा डिज़ाइन ये स्टार्ट हो गया है देखिए इस तरह से mm. अब उसी तरह से हमने इसको बनाना है उल्टी सिलाई पे आठ फंदे हमने जैसे इसके अंदर बनाए थे आठ फंदे उल्टे बनाने हैं वाइट के दो उतारने हैं अब देखिए इसके अंदर दो बनाए हैं इसके अंदर हमने चार बार बनाया है अब देखिए जब थर्ड बार डिज़ाइन रिपीट करेंगे तो जैसे हमने फर्स्ट बार बनाया है उसी तरह हमने थर्ड बार जो डिज़ाइन है वो रखना है फिर देखिए जब फोर्थ बार हमने डिज़ाइन बनाना है तो जैसे सेकंड बार रखा है वो रखेंगे अगर उसके ऊपर भी आपने बनाना है तो इस तरह से रिपीट करते जाएंगे इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को रिपीट करते जाना है चलिए इसको हमने आप देखिए बाजू पे मैंने दो बनाई हैं आप तीन भी बना सकते हैं ये आपकी अपनी चॉइस है ये दो दूसरा डिज़ाइन कम्प्लीट कर लेते उसके बाद मैं आपको बताती हूँ देखिए इस तरह से हमने ये दो डिज़ाइन बना लिए हैं अब देखिए दो डिजाइन बनाने के बाद देखिए हमने जो इसकी बाजू की शेप है वो बनानी है देखिए इसको हमने हर फोर्थ सिलाई के बाद एक एक फंदा बढ़ाना है दोनों साइडों पे देखिए अब देखिए इसके बाद हमने पहले तो हम इसको यहीं से बना अब सीधा और उल्टा का हमने बनाना है देखिए यहां से बढ़ाएंगे पहले इसको बनाया अब इसको पीछे से इस तरह से बना लेंगे अब हमने देखिए इसको सीधा सीधे उल्टे की अब हमने इसके ऊपर वर्क करना है पूरी सिलाई हम सीधी निकाल देंगे और लास्ट का एक फंदा छोड़ेंगे देखिए मैं दोनों फंदे एक ही सिलाई में बढ़ाती हूँ स्टार्टिंग में भी और एंड में भी पूरी सिलाई हमने सीधा सीधा बना ली है देखिए अब हम लास्ट में इस फंदे को दो का एक करेंगे इसको नहीं करेंगे नहीं तो फंदा बाहर की तरफ निकल जाता है इसको देखिए इस तरह से एक फंदा बना लिया अब इसको पीछे से बना लेंगे इस तरह से और अब इसको बना लेंगे इस तरह से देखिए बाजू में हमने दोनों साइडों पे एक एक फंदा बढ़ाना होता है हर फोर्थ सिलाई के बाद देखिए एक उल्टी बनाएंगे फिर सीधी फिर उल्टी इस तरह से देखिए हर फोर्थ सिलाई के बाद हमने एक फंदा बनाना है जब हम फिफ्थ सिलाई स्टार्ट करते हैं तब हमने एक एक फंदा बढ़ाना है देखिए इस तरह से बढ़ाते हुए हमने देखिए पहले छः सिलाई बना लेते हैं तो फिर मैं बताऊंगी कि आप हमने ये वाला कैसे डालना है तो कितनी लंबी बनानी है वो अभी मैं आपको बताऊंगी और कितने फंदे तक बढ़ाना है वो भी बताऊंगी पहले हम इसकी छह सिलाई बना लेते हैं सीधा उल्टा डालते हुए देखिए ये हमने सीधी बनाई फिर उल्टी फिर सीधी इस तरह से पांचवी सिलाई में हम इसके अंदर फंदा भी बढ़ाएंगे देखिए ये हमारी छह सिलाइयां कंप्लीट हो गई हैं फिफ्थ सिलाई में हमने फिर से इसको चार सिलाई के बाद देखिए एक में हम बढ़ाते हैं उसके बाद हमने तीन सिलाई और बनानी है चार कंप्लीट हो जाती हैं तो पांचवी में हमने फिर से बढ़ाना हर फिफ्थ सिलाई में हमने दोनों साइडों पे एक फंदा बढ़ाते जाना देखिए ये मैं बार बार नहीं बता सकती क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ आप इसको याद रखिएगा कि बाजू में हर पांचवीं सिलाई में हमने इसको दोनों साइडों से फंदा बढ़ाना है अब देखिए हमने ये चकदाना दाना ये बनाना है अब देखिए इसको कैसे बनाना है हमने देखिए पहले हमने इसके अंदर ये वाले पांच फंदे बनाने हैं दो तीन चार और पांच देखिए पांच फंदे बनाने के बाद अब इसको देखिए हमने वाइट कलर लगाना है एक फंदा सीधा बनाना है इसको आप अच्छे से नोट लगा लें अब उसके बाद देखिए फिर से पांच बनाने हैं दो तीन चार पाँच अब देखिए जब पांच फंदे बनाने हैं थोड़े से फंदों को हम देखिए इस तरह से सिलाई के ऊपर खिलार लेंगे ताकि जो हमारा ये इकट्ठा ना हो देखिए इस तरह से बनाना है फिर इसको छोड़ देना है फिर से आगे पांच फंदे बनाने हैं दो तीन चार पाँच अब देखिए थोड़ा सा इसको खिला देंगे इस तरह से हर पांच के बाद सिक्स फंदे को हमने व्हाइट बना देना है हो गए देखिए चार पांच देखिए इधर हमारे पास तीन फंदे ही बचे हैं तीन ही बना देंगे चाहे आप देखिए एक बार स्टार्टिंग में काउंट करके बना लेते तो हमारे चार चार आ जाते चलो कोई बात नहीं अब देखिए हमने अब एक सिलाई हो गई हमारी अब छह सिलाई हमने फिर से इस कलर की निकालनी है देखिए यह हम फंदा हमारा इधर ही पड़ा है छह सिलाई हम इसकी निकालेंगे उल्टा सीधा बनाते हुए और हर फंदे को जब बढ़ाना है हमने हर पांचवी सिलाई पे दोनों साइडों से एक एक फंदा बढ़ाते जाना है उसको आपने याद रखना है चलिए हमें ये छह सिलाइयाँ बना लेते हैं उसके बाद बताऊंगी कि दूसरी बार हमने कैसे रखना है तो कितने फंदे बढ़ाने हैं और कितना हमने इसको बना लेना है देखिए इसके अंदर मैंने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ बार इसी तरह से वाइट का ये इचक दाना बनाते हुए नौ तक बनाना है चलिए पहले मैं एक बार आपको ये छह सिलाई बनाकर दोबारा से बताऊंगी देखिए अब हमारी ये छह सिलाइया कंप्लीट हो गई हैं देखिए काउंट करके बताते एक दो तीन चार पाँच और एक ये नीडल पे होती है छः अब देखिए हमने इसके बाद यहाँ से देखिए अब हमने देखिए इस फंदे के ऊपर बनाया हुआ ये वाले फंदे के ऊपर इसको अब देखिए ये हमारा सेंटर का फंदा हो गया पांच पे बनाया इसको दो फंदे इधर के छोड़ देंगे दो इधर के ये पांच हो गए हमारे अब देखिए यहाँ पे बनेगा ये सेंटर में ये देखिए दो पांच फंदों का सेंटर हो गया ये चाहे तो आप इसको काउंट करके यहाँ से देख लें नहीं तो देखिए यहाँ से देखना बिल्कुल आसान है इसके ऊपर बनाया हुआ है तो देखिए दो को छोड़ देंगे ये फिफ्थ ये वाला फंदा सेंटर होगा दो इधर चले गए अब यहाँ पे बनाना है उसके बाद पांच इसको बनाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच फंदे काउंट करेंगे तो इसको भी बना लेंगे हम क्योंकि देखिए हमारे पास बढ़ते जाएंगे तो हम इसको भी बना लेते हैं देखिए इसको एक दो तीन चार पाँच देखिए ये पांच फंदे बना लिए देखिए ये वाला फंदा इसके ऊपर है तो पांच इसके जो पहले वाले फंदे हैं तो ये वाला ही हमारा फंदा सेंटर का आएगा ये वाला अब इसको बनाएंगे देखिए उसके बाद पांच फंदे बनाएंगे एक दो देखिए ये आ गया सेंटर का तीन फिर दो आगे चार और पांच देखिए ये दोनों पांच फंदों के बीच का फंदा ये वाला हो गया अब इसके ऊपर इस तरह से आप देखिए देखेंगे एक बार हमारा पीछे से आएगा एक बार आगे से आएगा इस तरह से देखिए हमारा अब सेंटर आ गया ये वाला जब हम देखिए इसको बनाते हैं इसको इस तरह से सिलाई पे फंदों को खिलानना है फैलाने के बाद फिर बनाएंगे तो हमारा खींचेगा नहीं ये इस तरह से हमने इसको बनाते हुए जाना है देखिए मैं आपको टोटल बता देती हूं कि हमने यहाँ पे कितने बार ये डिजाइन बनाना है देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ नौ बार डिजाइन बनाना है देखिए कितने फंदे हमने इसके बढ़ाने हैं देखिए हमने इसके फंदे एक दो तीन चार पाँच सात आठ आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह देखिए तेरह बार फंदे मैंने इसके बढ़ाए हुए हैं इक्कीस फंदे हमने इसके अंदर पहले से डाले हैं देखिए हमने जब हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ बार हमने देखिए यहाँ पे ये वाइट की एक एक, एक लाइन जो डालते हैं वो डाल लेनी है और उसके बाद भी देखिए हमने यहाँ पर दो या तीन सिलाई बनाई हुई है यहाँ तक आप पैंतीस फंदे हमारे बढ़ जोड़ हो जाएंगे यहाँ पर पैंतीस जोड़ हो जाएंगे हमारे हर चौथी और पाँचवीं सिलाई पर बढ़ाते हुए देखिए ऊपर जाके हम चाहे छः सिलाइयों के बाद भी बढ़ा सकते हैं आप थोड़ा सा हिसाब से कर लें यहाँ तक देखिए मैंने हर फिफ्थ में बढ़ाया हुआ है फिर हर सिक्स में बढ़ाया है मैंने यहाँ से इस तरह से देखिए हमने इसको बढ़ा लेना है पैंतीस जोड़ तक हमने ये यहाँ तक करना है जहाँ तक हमने नौ बार इसको वाइट वाली लाइन बनाई है उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ एक दो दो सिलाइयाँ डाली हुई हैं मैंने तो उसके बाद कैसे इसकी जो कटाई करनी है वो बताऊंगी पहले आप इतना बना लें इस बाजू को ये देखिए हमारा इस तरह से इतना बन गया है देखिए इसके अंदर मैंने एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ नौ बार देखिए जो व्हाइट सिलाई हम एक बनाते हैं वो बना दी है उसके बाद हमने देखिए इसके अंदर ये तीन सिलाइया बन गई हैं अब देखिए यहाँ पे मेरे पास पैंतीस जोड़ हैं यहाँ पे अब देखिए हमने इसकी जो इस तरह से कटाई करनी है ये वाली कटाई करेंगे देखिए ये आ, जो ये वाली कटाई होती है ये दोनों बाजू की और दोनों जो फ्रंट और बैक होता है स्वेटर का दोनों की चारों की एक जैसी बनती हैं अब देखिए हम इसको सबसे पहले इसके हमने एक फंदा दो का एक करते हुए दो और ये तीन देखिए सबसे पहले हमने तीन फंदों को घटा दिया है यहां पे। अब हमने सारी सिलाई इसकी इसी तरह से सीधी बना लेनी है चलिए इस सिलाई को मैं पूरा निकाल लेती हूं अब देखिए उल्टी साइड पे आ गए हैं अब इस साइड पे भी हमने तीन फंदे घटा देने हैं देखिए दो का एक करते हुए इसको यहाँ पे लेंगे फिर दो का एक करेंगे दो बार घटा दिए और फिर दो का एक करेंगे तीन बार घटा दिए ये देखिए हमने टोटल तीन बार इसको घटा दिया है अब इसकी हम फो आ, उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेते हैं चलिए उल्टी सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए अब हमने सीधी साइड पे आ गए हैं देखिए ये भी हमने इसी तरह से बनाते हुए जाना छः छः सिलाई के बाद अभी देखिए हमारे पास चार सिलाई हुई है इसकी अब देखिए हमने क्या करना है दो फंदे उल्टे बनाने हैं पहले इस तरह से एक और दो दो फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए फिर से हमने यहाँ पे कटाई घटाई करनी है ये दो फंदे हमारे लास्ट तक चलते रहेंगे अब देखिए यहाँ पे दो फंदों के बाद हमने फंदे को घटाना है इस इसको पहले पलट दिया देखिए कैसे पलटा मैंने इसको देखिए इसको इस तरह से नीडल पे घुमा कर अब दो का एक करेंगे देखिए इस तरह से ताकि जो इसकी जो फली है वो सीधी जाए अब देखिए जो हमारे पास ये सारे फंदे हैं लास्ट के चार फंदे छोड़ने तक हम इसी तरह से पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं देखिए दोनों फंदे हमारे इस साइड भी उस साइड भी एक ही सिलाई में हमने घटाने हैं उल्टी सिलाई हम उल्टी ही बनाएंगे और उल्टी सिलाई बनाने के बाद हर सीधी सिलाई में हमने इसको घटाना होता है चलिए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ देखिए ये चार फंदे रहने तक मैंने सारी सिलाई निकाल ली है अब देखिए दो फंदों का एक करना है इधर से हम इसी तरह से कर लेंगे दो फंदों का एक अब ये दो फंदे हमने उल्टे बना देने हैं दोनों साइडों से हमारा एक एक फंदा घट गया हर बार हमने इस फंदे को लेते हुए घटाना है और इसको दो का एक करना है इस साइड हमने फंदे को पलटना होता है और उल्टी सिलाई हमने उल्टी निकालनी होती है हर सीधी सिलाई में हमने दोनों साइडों पे एक एक फंदा घटाना है और देखिए इसको भी हमने बनाते जाना है एंड तक अब देखिए हमने इसको बनाना है देखिए आप इसको एंड तक बनाते जाइएगा देखिए ये यहाँ पे बनाया हुआ था ये सेंटर का फंदा दो ओर लेंगे दो इधर से आएंगे पांच और इस फंदे को मैंने वाइट बनाना है चलिए उल्टी सिलाई में उल्टी बनाकर आपको दोबारा से फिर बता देती हूँ सीधी साइड में आकर अब हम फिर से सीधी साइड पे आ गए हैं अब देखिए हमने पहले दो फंदों को तो हमने उल्टा ही बनाना है इस तरह से अब देखिए आगे दो का एक करना है इसको इस तरह से पलट लेंगे और दो का एक करेंगे पीछे से इधर से इस तरह से अब सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं लास्ट के चार फंदे तक यहाँ चार छोड़ेंगे दो उल्टे बनाएंगे ये दो का एक करेंगे बाकी फंदे सारे हमने सीधे बनाने हैं देखिए इसी तरह से हमने रिपीट करते हुए जाना है उल्टी सिलाई उल्टी बनानी है और सीधी साइड से हमने हर सीधी साइड सिलाई पे दोनों साइडों पे एक एक फंदा घटाते हुए जाना है देखिए इस तरह से देखिए इसको मैंने कितनी बार घटाया है देखिए ये तो हमने तीन घटाए थे तो उसके बाद एक दो तीन चार ये लाइन ही बन जाएंगी हमारे पास देखिए जब हम सीधी साइड से भी उल्टा बनाते हैं उल्टी साइड से भी तो हमारे पास देखिए इस तरह से बन जाती ये काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस देखिए उन्नीस और बीस बीस तक हम बनाएंगे देखिए उसके बाद मैंने बनाने के बाद सब बीस बनाने के बाद मैंने उल्टी सिलाई में भी घटाया और 21 की भी दोनों सिलाइयों में मैंने कटाया पहले आप 20 तक बना लें तो फिर मैं आपको बताऊंगी 20 ये वाली लाइनें बना लें बीस की चालीस सिलाइयाँ बन जाएंगी बीस सीधी और बीस उल्टी चलिए इस तरह से हम कम्प्लीट कर लेते हैं इसको हर सीधी सिलाई में हम इसको घटाते जाएंगे उल्टी सिलाई को हम उल्टा ही बनाते जाएंगे अभी देखिए हमारे पास एक ये दूसरा चल रहा है तीन सिलाई हुई है चलिए हम इसको पूरा कर लेते हैं इस कटाई को उसके बाद मैं इसके आगे के फ्रंट का और बैक का बताऊंगी कि हमने कैसे करना है देखिए ये हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है देखिए बीस ये वाली बनाने के बाद चालीस सलाई बनाने के बाद जब जब हम देखिए यहाँ पे आएंगे तो हमने यहाँ पे सीधी में भी और उल्टी में भी दोनों साइडों पे एक एक फंदा हमने कम कर देना अब देखिए हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बीस फंदे बच गए हैं देखिए बीस फंदे इस बाजू में बीस फंदे इस बाजू में टोटल हमारी देखिए इक्कीस लाइनें हो गई हैं इक्कीस लाइनों में हमने इसको कम किए हैं तीन हमने यहाँ पे कम किए थे तो ये दोनों बाजू हमारी इस तरह से बनकर रेडी हो गई हैं अब देखिए देखिए बाजू कंप्लीट करने के बाद नीचे स्वेटर कैसे बनेगा कितने फंदे लगाने हैं और कितना बनाना है और गला वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे देखिए एक ही वीडियो में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो दूसरी वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा चलिए आप इतना बनाइएगा डिज़ाइन बना लीजिएगा बाजू बना लीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं दूसरे पार्ट में